नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। बात करेंगे आज 4832 डबल चार्ज 55 टाइल्स की फ्लोरिंग की। देख सकते हैं आप, बड़ी साइज की टाइल्स 48x32 की डबल चार्ज 55 टाइल्स। ट्रॉपिकाना बेज की बात करें अपन, इसकी ऊपर डिज़ाइन की तो आप देख सकते हैं, ट्रॉपिकाना बेज सिमिरो ब्रांड की ये टाइल्स है। डबल चार्ज की बात करें तो आप देख सकते हैं, बहुत से कमेंट रहते हैं डबल चार्ज टाइल्स क्या होती है। आपको सीधा सा इस वीडियो में दिख रहा होगा, 2x2 और 48x32 में जो टाइल्स की जो थिकनेस रहती है उसमें फ़र्क रहता है। 2x2 आपको 8 mm मिलेगी, जबकि 48x32 की जो टाइल्स की जो थिकनेस है वो आपको 10 mm में मिलेगी। बात करते हैं ग्लोसी की, तो ये वाइट बेस में आपको हाई ग्लोस टाइल्स है। 2x2 में भी आपको इस प्रकार की हाई ग्लोस टाइल्स मिलेगी। लगाने की फिटिंग की बात करें तो डबल चार्ज 48x32 का यहाँ पर डार्क कलर का एक पट्टा लिया हुआ है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर पहले ग्रेनाइट था, ये इस प्रकार का ग्रेनाइट था, उसको रनिंग आगे करने के लिए अपन ने यहाँ पर ग्रेनाइट हटाकर इस टाइल्स को फिटिंग किया हुआ है। और आगे जो टाइल्स की फिटिंग की हुई है उस वो वुडन की हुई है, और उसकी साइज़ की बात करें तो वो 4x2 की टाइल्स की साइज़ थी। अड़तालीस बत्तीस की बात करें तो ये बॉक्स में 2 पीस आते हैं, सिमेरो ब्रांड की ये टाइल्स हैं। रेट की बात करें तो ये 60 से 65 रुपए के बीच प्रीमियम टाइल्स आपको मार्केट में उपलब्ध मिलेगी। टाइल्स की फिटिंग की बात करें तो अगर आप सीमेंट में फिटिंग कर रहे हो, अगर आप पहले से ऑलरेडी टाइल्स लगी हुई है और उसके ऊपर आपको फिटिंग करना है तो आपको एडहेसिव का प्रयोग करना होगा। लेकिन ये नए नए फिटिंग का कार्य है, इसलिए यहाँ पर एडहेसिव नहीं बल्कि सीमेंट और रेती के साथ मिक्स करके स्टाइल्स को लिया हुआ है। जब भी आप टाइल्स फिटिंग करते हो तो अमूमन बहुत सी जगह पर टाइल्स लगाते समय ये गलती होती है, यहाँ से बेंड रहता है टाइल्स के, तो देख सकते हैं आप फिटिंग करवाते समय इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि इस प्रकार की यहाँ पर ऊंच नीच टाइल्स में नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। और इसके अंदर अपन वाइट ग्राउंड भरेंगे तो जो आपको ज्वाइंट दिख रहा है वो भी आपको बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाएगा। बहुत से कमेंट रहते हैं बड़ी साइज़ की टाइल्स बेंड होती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप फिटिंग अच्छी तरह से करवाते हो तो फिटिंग में भी आपको बेंड की समस्या देखने को मिलती है, थोड़ा लगाने में हल्की सी मेहनत करनी पड़ती है, बाकी ज़्यादा बेंड टाइल्स में आता नहीं है अगर आपके प्रीमियम टाइल्स लिए तो। फिटिंग में आप देख सकते हैं टाइल्स में डिज़ाइन, बहुत से कमेंट यू रहते हैं मेरे को टाइल्स में डिज़ाइन देना है, तो आप इस प्रकार से डिज़ाइन दे सकते हैं। आप देख सकते हैं डार्क कलर का एक 10 इंच का पट्टा कटिंग करके साइड में लगाया हुआ है, उसके चारों तरफ इस प्रकार का पट्टा आएगा। देख सकते हैं जगह छुड़ी हुई है, यहाँ पर जगह कम मिली तो यहाँ पर 8 इंच 6 इंच का जो भी पट्टा मिलेगा उसमें आपको डार्क कलर का पट्टा घुमाएंगे और पूरा ही चौकड़ी टाइप आपको टाइल्स की फिटिंग देखने को मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।